विदुभा जी हुकम, खाना खाएंगे? हवाई चपातियां खिला रहा है, मेरे लिए मंगवा लो फिर। आपका फर्ज बनता है, आपके लिए इतनी देर से ताली बजा रहा हूं मैं। ये मैं रोटी नहीं बना, ताली बना रहा हूं। बजा इसलिए रहा हूं क्योंकि तंदूर के पास खड़ा हूं। अगर ऐसे से बजाता आपके लिए गलत रोटियां लगा रहा है। भाजी खाने पीने का हमारी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। मैं बताता हूँ, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ खाना खाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पूरा देश खा रहे हैं। हाँ। इसलिए हमारा रुपया जो है गिरता जा रहा है। आज की डेट में आप टॉस भी खेलो ना, ऊपर नहीं जाता नीचे जाता रुपया। कुछ लोग जो होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अब बड़े लोगों की पार्टी में चले जाओ ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इतना सा डाल लिया, इतना सा डाल लिया, एक एक चम्मच लेके, इट्स टू मच फॉर मी। दो तीन बार में उठा ले वो अलग बात है। अब आम आदमी, गरीब आदमी शादी में चला जाना, इतनी बड़ी प्लेट उठाएंगे पहले तो उसके ऊपर पहले चावल बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर दाल बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर नान, फिर मलाई कोफ्ता, ऊपर स्वीट डिश की लेयर बनाते हैं। उसकी प्लेट देख के पता चल जाता कि अगले दिन ये क्या सीन क्रिएट करने वाला है। गरज के साथ चीटे पड़ेंगे अगले दाम धूम दाम। हर एक आदमी का दिल करता है कि बाहर जाएं, किसी अच्छे होटल में खाएं। हाँ। बड़े लोग तो जाते रहते हैं, हम जैसा गरीब आदमी ना पहले फाइव स्टार होटल में चला जाए, पहले तो दरबान को देख के डर जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अंदर। वो सल्यूट मारता है, इसका भी सल्यूट निकल जाता है। बड़ा आदमी जो होता है ऑर्डर देते समय देखता नहीं कुछ, उसको मुंह जबानी याद होता है अपना मेन्यू। वन सेजवान चिकन एंड वन मलाई कोफ्ता एंड विच फलाना फलाना सॉसेस। गरीब आदमी कभी नहीं पहले ऑर्डर देता, उसको पता नहीं होता वहां पे बिकता क्या क्या है। मेन्यू उठाएगा लास्ट वाले से खोलेगा, वो सब्जियां नहीं पड़ता इधर रेट लगे तो वो पड़ता है। चिकन कोरमा 1400 रुपए, पनीर मलाई 1400 रुपए, फलानी चीज 1300 रुपए, जहां पे लिखा था ना 160 रुपए, देखता भी नहीं क्या ये डाल लिया। बड़े जो होटल होते हैं वो क्यों ज्यादा चार्ज करते हैं आप देखिए। चाय का कभी 500 रुपए का देते हैं, जब चाय लेके आते हैं ना, इतनी सी चाय होती है, उसके साथ 500-600 बर्तन आते हैं, इतने भी ट्रे में लेके आएंगे। सर दिस इज हॉट वाटर एंड देयर इज सम मिल्क, गाय का अलग है भैंस का अलग है, ये शुगर है, सो ब्राउन शुगर एंड देयर इज व्हाइट शुगर, देयर इज सम लिटिल बिट टूथपिक्स, चाय दांत में फंस जाए यू हैव टूथपिक्स। एंड आदमी को समझ लगता है इतनी सारी चीजों में से चाय कौन सी है। इसलिए वो चाय के पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। आम गरीब ढाबे पे चीजें सस्ती क्यों होती हैं? एक अकेला बंदा है, गंदी सी निक्कर पहनी हुई है, एक ही हाथ में 5 कप चाय पकड़ी, हर एक कप में एक एक उंगली है, ऐसे ला के रख देता वो। दिल करता है आदमी का बाहर खाने को, लेकिन ये तो पाजी मुझे कंसेप्ट यहाँ पे आके पता चला है, बड़े लोगों के बीच में घूमना फिरना शुरू किया ना, कि लोग फैमिली के लिए डिनर करने बाहर भी जाते हैं। हमारे यहाँ पे रिवाज ही नहीं था, बाहर की बात छोड़ो, हमें घर पे भी मुर्गा खाने को नहीं मिलता था। कभी दिल करना ना मुर्गा बना लो मम्मी, दिल कर रहा है चिकन खाने को, तो झूठ मूठ बोल देते हैं, पहले मुर्गा नहीं खाना पाप लगता है। वो तो बड़े हो गए तो अब पता चला है, पाप नहीं उसको प्रोटीन बोलते हैं जो हमें मिली नहीं। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर करने जाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे लोग होते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं जो बाहर खाना खाने जाते हैं, वो भी 5 स्टार में। जी हाँ जी सर, तो आप बाहर खाना खाने जाते हैं? हाँ जी। क्यों? बस ऐसे ही हफ्ते में कभी छुट्टी हो गई तो फिर सैटरडे या संडे सोचते कभी बाहर जाकर थोड़ा एक स्वादिष्ट खाना खाया जाए। स्वादिष्ट मतलब घर पे स्वाद नहीं बनता? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई वॉज जस्ट किडिंग, ये बनाती अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाती, अच्छा बनाती है, लेकिन ऐसे ही हम सोचते कि कभी बाहर चले जाए। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, किडिंग कोई नहीं, बीवी बगल में खड़ी ना, कोहनी लगा के यहां पे पता है टक करके मारेगी वो। क्या करते भाई साहब आप ऐसे? जी मैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट हूँ। ये कस्टम वाले भाई मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कसम से, ये आपकी फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं आपको। आप कभी बाहर जाओ ना, कभी उतरो तो आपकी फैमिली बाहर होती टर्मिनल से, ये पहले खड़े होते हैं। क्या लेके आए बाहर से आप? मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको साथ में बताना है, मैं 1-2-3 स्टार्ट कहूंगा, आपने एकदम से जवाब देना है जो आपको अपनी बीवी के हाथ की सबसे अच्छी चीज लगती है, आपने भी बतानी है, पता चले आपकी केमिस्ट्री कितनी है। ओके तो मैं रिपीट करता हूँ, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी बीवी बड़ी स्वाद बनाती है? आपका टाइम शुरू होता है, 1-2-3 स्टार्ट। सब। मैडम कहती सब चीजें, भाई साहब कहते कड़ी चावल, अब आपका घर जाके पकौड़ा बनाएंगे ये देखना। चलिए बैठ लीजिए, ये मैडम शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। पाजी मेरा सेटअप देख के तो आप समझ गए होंगे क्या बात है, मैंने नया काम खोला है, मैंने नया काम फ्लॉप कराऊंगा आज। ये अपना राजू है भाई, अपना जो नौकरी थे रामू, आहो वो चला गया छुट्टी पे,
तो मेरे को पीछे की तकलीफ ना है, इसको छोड़ के गया, बड़ा प्यार करता है। नया रिक्रूट है पाजी, इसलिए नहीं भेजा। एक्चुअली 50,000 रुपया इन्होंने उधार देना है उसका, वो डूब ना जाए, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ। और पाजी मैं नया नहीं हूँ यहाँ पर, मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ पर इकट्ठे काम करते थे। अच्छा, इस बंदे की मैं आपको करतूत बताता हूँ। मुझे रख लिया, मुझे कहता सारे करके कपड़े धोने, मैं ठीक है पगार कितनी देंगे? नहीं पगार नहीं, बदले में हम आपके कपड़े धो दिया करेंगे। मैंने कहा इससे मुझे क्या फायदा होगा, कितनी फायदे फूदे की बात नहीं है, ऐसे आने जाने वालों के लिए हमारी इज्जत बनी रहती है कि हमने ना घर में नौकर रखा हुआ है। तो तेरे को क्यों नहीं फायदा होगा, हमारी तो थोड़ी इज्जत बनेगी कि हमने नौकर रखा, तेरा ज्यादा होगा फिर, तुमने मालिक रखा हुआ है। देख हमने ढाबा खोला है, मिलजुल के ढाबा चलाएंगे, तेरी पैसे मिल जाएंगे, देखो रोया मत कर तू। पाजी मुझे पता है इन्होंने कैसे ढाबा खोला है, इनका डिनर सेट चेक कर लो, एक भी प्लेट आपस में नहीं मिलती। सभी इधर उधर से जाती हुई है, कोई चीनी की है कोई स्टील की है, ये प्लेट पाजी इन्होंने आपको पता लंगर से उठाई है। कल पाजी जाकर ना लंगर में ऐसे जाकर बैठ गया, अंकल जी ने प्लेट रखी, प्लेट उठाकर चल दिया, अंकल जी कहते दाल, कितनी दाल नहीं प्लेट ही चाहिए। बकवास नगर, चुपचाप अपना काम कर, सुन मेरी बात। इधर काम करने की एक्टिंग कर, जब भी कोई कस्टमर आएगा ना, जैसे उसने दाल का ऑर्डर दिया, बाकी दूसरे ढाबे से लेके आना, वो 25 की देगा, हम यहाँ 30 की बेचेंगे। और दादी को मैंने समझा दिया, पूरा काउंटर संभालेगी, चलो जाके संभालो। दादी तो काउंटर संभाल लेगी, दादी को कौन संभालेगा बाद बाद में। ये देख दादी, हमको तनख्वाह नहीं मिलती, तू यहाँ आकर पीकर टुल्लु ही पड़ी है। नहीं मुझे नहीं पता कौन किट्टू है। दादी कैन आई हैव अ स्मॉल मुक्का ऑन योर नोज? मैंने तेरे को कहा था यहाँ पे तूने कस्टमर बन के बैठना, तू इधर मालिक बन के बैठी दारू पी के, तेरे को शर्म नहीं आती? मारो तेरे बच्चे। You will never understand the feeling of a common lady. I not drunk because of happiness. I drunk because of helplessness. This samaj lato maring me into darkness. Once in the week, I start drinking. I enjoy. What to do? What to do? What to do? What to do? I love it, too. I ruin the family. Daddy. I know I'm putting everybody in poverty. What to do? What to do? What to do? What to do? I drank, drank because of happiness. Daddy. I drank because of... ये क्या क्या बकचोदी? काउंटर का है, मैं बैठ जाती हूँ। काउंटर में नहीं बैठना, इसको अंदर लेके जा राजू, जब तक इसकी उतर नहीं जाती इसको बाहर नहीं लेके आना, चलो अंदर जा। वाह बिच्छू वाह। बिट्टू है, गुलाम अली थोड़ी है। बीच में मत बोल। बहुत बड़ा ढाबे वाला हो गया तू बिच्छू, बहुत बड़ा ढाबे वाला। भूल गया तू, मैं खुद गिल्ली जगह सो जाती थी, तुझे सूखे जगह सुलाती थी। दारू पी के जगह भी तू ही गिली करती थी, मैं थोड़ी करता था। तेरी दादी, अंदर जा, चली जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, चली जा। I tell again, I not drunk because of happiness, I drunk because of helplessness. आज देखिए छात है। बिट्टू पछाना मैं कौन? बुआ अम्मू रेशमा। लो सीतू जी, इतना सज के आई थी रेशमा। हाय ओए रब्बा वारी जाना। सीख ले कुछ। मैंने सोचा एकदम हीरोइन लग रही हूँ, बिल्कुल नहीं पहचानेगा तू मुझे। हीरोइन लग रही है? हाँ। जिनकी बाल्टियां फट जाती है नीचे से, उनको तले लगाने में लग रही तू। वैसे लग तो सुंदर रही है।
टैंक टू यू. ये सब ऑक्सी लाइफ जेल ब्लीच का कमाल है. तुमने बाल्टी भर के लगाई होगी. बिट्टू बस थोड़ी सी लगाई, देख कैसी चमक गई मैं ऑक्सी लाइफ जेल ब्लीच से. उसके एक्टिव ऑक्सीजन ने दिया मुझे प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी एलोवेरा से मेरी स्किन हो गई मुलायम. चलो ये तो हो गई स्पॉन्सर की लाइन, बोलनी भी पड़ेगी. बाकी ये कीड़े वाली गोभी जैसा मुंह लेके क्या ये बन क्या घूम के रही है, क्या पहना क्या हुआ तूने? ओए बिट्टू तुझे नहीं पता ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है. इसमें ना एंटरटेनमेंट होती है. अब देख तूने ढाबा खोला है. हाँ. अगर किसी ने चिकन का ऑर्डर दिया तो मैं ऐसे डांस करूंगी. और अगर किसी ने पनीर ऑर्डर किया तो? तो अगर किसी ने दाल ऑर्डर कर दी तो क्या करेगी? ओए दाल वालों की माँ की दाल, दाल वालों के लिए थोड़े इतना सजी हूं मैं. अरे सांस फूल जाएगी मेरी सरदार जी. हाँ. देखो इस उम्र में भी कितना तेज चलते हैं ये. कोल्लू का बैल है, तूफान मेल है, मैं बता रही हूँ. अरे भाई भूख इतनी लग रही है, तेज तो चलना ही पड़ेगा ना. एक काम करो आप इधर ही रुको, मैं ढाबा इधर ले आता हूँ. आइए आइए आप इधर बैठिए. ध्यान से आइए आइए बैठिए. इनको बिठाना नहीं पार्क करना पड़ता है. आइए बैठिए बैठिए. बैठ जा बैठ जा. आप भी बैठिए आंटी जी. बैठ जा. बताइए अभी बताइए क्या खाएंगे आप? अरे बेटा इस उम्र में अब क्या खाएंगे, रोटी को पानी में डुबो के चूस लो तो बहुत है. ये पकड़ो. मैं तो थक गई. तो इस उम्र में ये थकाने वाला काम किया क्यों आपने? अरे बेटा मैं ये तो हमने अडॉप्ट किया है. अडॉप्ट किया है, वेरी गुड. अडॉप्ट करना बड़ी अच्छी बात है. पैदा तुम कर भी नहीं सकते. सही कहा. आपको पता नहीं है इनका. चलिए बड़ी अच्छी बात है, बच्चे को अडॉप्ट करना अच्छी बात है. बच्चा क्या खाएगा? अरे बच्चा तो बड़ा होकर दिमाग ही खाएगा बेटा हमारा. बार बार पूछेगा तुम्हारी और हमारी उम्र में इतना गैप क्यों, बताओ. भूखे पूरे कान के नीचे प्राइमर देखा नहीं, बड़बड़ 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 शुरू कर दिया. तुम तो मुझे मार ही दो. मैं सच कह रही हूँ सरदार जी, इस देश में लड़कियों की कोई जिंदगी ना है. सही कहा. क्या लड़की देख ले हो? दोनों लड़का लड़की क्या खाएंगे आप? अरे पहले ये तो बताओ कि मेन्यू कार्ड कहाँ है. आओ ये मेन्यू, ये टेबल देख रहे हो आप? हाँ. सारी दालें सब्जियां गिरी, सूंघ के बता दो क्या चाहिए आपको. तुम ये इसका कपड़ा जो है टेबल का वो चेंज नहीं करते क्या? हाय हाय चेंज कैसे नहीं करते, रोज करते हैं. इस टेबल का उस पे लगा देते हैं, उसका इस पे लगा देते हैं, रोज बदलते हैं हम तो. हाँ जी बाबा जी, आपका लास्ट ऑर्डर क्या है? लास्ट ऑर्डर क्यों बेटा, ढाबा बंद कर रहे हो क्या? नहीं नहीं मैं आपके लाइफ के लास्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. बेटा पहले ये बताओ कि यहाँ पर ये जो सब्जी खाना पीना जो तुम बनाते हो सब अपने हाथों से बनाते हो या बंदे रखे हुए हैं? नहीं नहीं हमने तो आगे ढाबे रखे हुए हैं. इसका मतलब है हम लोग जो बड़े मशहूर ढाबे ना, बड़े बड़े होटल, वहाँ से सीख के आते हैं. मैं अभी ऑमलेट बनाना मैं अमेरिका से सीख के आया हूँ. बेटा इतने पढ़े लिखे हो फिर ये ढाबा क्यों खोला? अरे चाबी इसके पास थी तो यही खोलेगा ना. मम्मी जी वैसे एक बात बता दूं, आसानी से नहीं खोला. आसानी से नहीं खोला.
शटर कितना जाम है मालूम? आइए आइए आइए। एक मिनट एक मिनट भाई। क्या 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 बकवास कर रही है ये बुढ़िया? बुढ़िया बुढ़िया किसको बोला? अरे परी जवानी में कौन मेरा सहारा बनेगा? अगर ये परी जवानी है तो मेरे तो 60 इयर्स और बाकी हैं। कागज पे इसके अंगूठे का निशान ले लो। तेरा दिमाग खराब है, बंदा जान से जा रहा है, तेरे को जायदाद पे अंगूठा लगवाने की पड़ी है। हाय मैं लालचन लगती हूँ तेरे को, अंगूठा लगाने की पड़ी है, जायदाद तो मेरे नाम हो ही जाएगी ना जब मर जाएगा। अंगूठा तो मैं ये लगवा रही हूँ कि उस पर लिख दे एक बार कागज पे कि इसके बाद इसके जो चाचे का बेटा है ना उसके साथ मैं लिविंग रिलेशन में रहूँ तो इसको कोई प्रॉब्लम ना। डॉक्टर को फोन कर दो डॉक्टर। एक मिनट बुढ़ा फोन मैं करती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर हेलो हेलो एक डॉक्टर का ही नंबर है बस कोई। हेलो डॉक्टर मैं ठीक हूँ, जिंदा रहे जिंदा रहे। हाँ नहीं थोड़ी सी छाती भर गई थी सर्दी की वजह से, दो बार छींकी अच्छी अच्छी सब निकल गई। दो तीन दिन में ठीक ठाक हो जाऊंगी तो आती हूँ तुझसे मिलने के लिए। क्या इसके बारे में पूछो? मेरे बारे में पूछो बुड्ढा खुशड़ तेरा मरीज रहा। मुझे बुढ़िया कहने लगा था, देख किडनी पर मारा एक गिर पड़ा। हाय हाय अच्छा 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 कह रहे बुड्ढा ठंडा ना हो जाए इसलिए हाथ मलो। अरे मोयो अपने नहीं बुड्ढे के मलो। मुझे लगता है ये ना बचता। अच्छा अच्छा बिट्टू सुन बता दे, डॉक्टर कह रहा है खुद ही चेकअप कर लो। चेकअप चेकअप कर ले दे। चेक कर लिए ये एक्सपायरी एटीएम कार्ड 38 रुपए निकले पर्स में से। 38 रुपए? अरे ये चेकअप नहीं हट पीछे दिल की धड़कन सुन बिट्टू। एक मिनट दिल की धड़कन मैं सुनूंगी। टक टक करते लगा डॉक्टर कह रहे पंप लगा दो पंप। हार्ट को पंप देना। पंप ढूंढो पंप। सब्जी कहाँ लगाना है और जगह बताओ कहाँ लगाना है ये? एक कान में लगा रहे कान में लगा रहे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बंद कर ऐसे। अरे बेटा ध्यान से कहीं फट ना जाए। लेकिन बाबूजी की तो बाबूजी की ज़्यादा भर गई। खेल तुमने उसकी वाली भी निकाल ली। बिट्टू मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। अरे गैस वाली जगह तो मारी थी, मोया को गैस हो गया बस। बस 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 रुको, बहुत हुआ ये ड्रामा है। मैं कोई बुड्ढा बुड्ढा नहीं हूँ, मैं यहाँ का फूड इंस्पेक्टर हूँ। और मैं फूड इंस्पेक्टर नहीं। तुम लोगों का ये ढाबा बंद होके रहेगा। फोन दो फोन। ओ दादी फोन ला। ले लिया 12 मेगापिक्सल। हेलो पुलिस मेगापिक्सल। आइए बिट्टू का ढाबा बंद होना चाहिए, इसे सील मारो। हाँ
आओ उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लो, इनमें से फुर्र फुर्र सिद्धू भाजी हुकम। आजकल हर चीज में मिलावट आ रही है, अडल्ट्रेशन। जैसे ये लड़की मुझे देख के फेक स्माइल कर रही है, अभी तो मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं। अब असली है। जब भाजी लोग ही नकली हो रहे हैं तो शुद्ध चीजें आएंगी कहां से? मिलावट तो हर चीज में है। लेकिन आज मेरी मैगजीन में इंटरव्यू के लिए जो दो लोग मैंने बुलाए हैं हाँ। वो एकदम शुद्ध खालिस है। एक नाम वो है जो टेलीविजन से सीधा लॉन्ग जंप मार के फिल्मों में आए और फिल्मों में छा गए, और दूसरी वो है जो पहली ही फिल्म से पॉपुलैरिटी के झंडे गाड़ चुकी हैं। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए शुद्ध देसी रोमांस की स्टार कास्ट सुशांत, आपकी फिल्म का नाम है शुद्ध देसी रोमांस। तो अब से पहले जो फिल्में आती नहीं है उनमें क्या शुद्ध नहीं था क्या ऐसा? इसमें अलग क्या है, मतलब शुद्ध कैसे है? ये शुद्ध इसलिए है क्योंकि ये तब होता है जब मैंने प्यार किया के बाद और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पहले जो खिचड़ी पकती है, ये वो शुद्ध देसी रोमांस। ओके भाई, चलिए अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि ये जो शुद्ध देसी रोमांस है इसको ऑडियंस भी खालिस शुद्ध मिले। ठोको जरा जोरदार तालियां। हवा के झोंके चुनिंदा आए, मोहब्बत की दुनिया से कुछ बंदे आए, फैलाने फिजा में शुद्ध देसी रोमांस। कपिल के घर में इश्क के दो परिंदे आए। क्या है? मैं बड़ा खुश हूं सरदार, खुश हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये रियल लाइफ हीरोज नहीं है, ये रियल लाइफ हीरोज है। कहते हैं वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। परी, जब कोई हमारे मेल गेस्ट आते ना तो पाजी एक आध शेर बोलते हैं, मतलब पर जब कोई लड़की आती ना तो इनके अंदर से निकलते जाते हैं। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल डायनमो की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत जो है पाजी इस फिल्म में गाइड बने हुए हैं, और गाइड का काम होता है अपने जो टूरिस्ट होते हैं उनको घुमाना फिराना। जो मैंने ट्रेलर देखा जितना मुझे समझ में आया, टूरिस्ट तो मुझे नजर नहीं आए, दो लड़कियों को आप बड़ा घुमा रहे हैं। एक टूरिस्ट होने के नाते मैंने नहीं देखा कि ना किसी को जंतर मंतर घुमाने लेके गए हो, ना किसी को कुतुब मीनार, उल्टा अपने एक टूरिस्ट को बोल रहे हैं क्या मुझसे शादी करोगी? ये भाई किस तरह की गाइड बनती हुई, मेरे को बताइए। एक्चुअली कपिल तुम गलत समझ रहे हो, मैं गाइड अलग तरीके को, तुम शुरू के तीन लेटर मिस करो, मैं एक्चुअली मिस गाइड करता हूँ। क्या बात है। सुशांत का कहना है कि वो मिस गाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल सही गाइड करना चाहूंगा कि सुशांत की पहली फिल्म को आपने जितना प्यार दिया, परिणीति की पहली फिल्म को जितना प्यार दिया, ये फिल्म जब आप देखने जाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको मिसगाइड किया गया है। ठोको जरा जोरदार दोनों के लिए, ठोको जरा दोनों के लिए जोरदार तालियां। परिणीति जी, इवन आई सॉ यू इन ट्रेलर, यू आर लुकिंग अनकन्वेंशनल, यू नो व्हाट, माइंड ब्लोइंग, कांग्रेजेशनल, आई एम जस्ट शुगर कोटेड मैंगो पिकल। ये पाजी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इंटेंशनली पूछ रहा हूँ, बिकॉज परिणीति जो है she's playing a English picture. Whatever you, I'm just checking your English. Parinithi is playing a English teacher's character in that movie.
I hope you all understand. Just let me check your English. एक सेंटेंस देता हूं आपको. एक मछली रेंग रेंग के पेड़ पे चढ़ गई. Come on, show me your English skills. एक मछली रेंग रेंग कर पेड़ पर चढ़ रही है. हाँ. The fish is crawling slowly up the tree. Oh! सही आंसर दिया. एकदम परफेक्ट. चलिए इंग्लिश तो ठीक है लेकिन कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है. मछली पेड़ पर क्यों चढ़ेगी मेरे को? आपको पता है इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेज है. मैं हिंदी का आपको एक मुहावरा देता हूं. आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और पुलिस ने पकड़ लिया तो स्कूटर क्या और उसकी आरसी क्या. मतलब वो इनडायरेक्टली तुम्हें आई लव यू कहना चाह रहा है. सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा हूँ? अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. प्यार का इजहार कर रहा है परनीति, मैं बता रहा हूँ तुमको. चलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसको आपको फास्ट फास्ट बोलना है. Okay. The six six shakes, six ship is sick. मैंने बोल दिया भाई. The six six shakes. ये क्या सवाल पूछने को दे दे, मेरे से नहीं बोला जा रहा. The line is the six six shakes six six. Take four. The line is the six six shakes six ship is sick. The six ship shakes the six ship is sick. Oh, 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 oh. Good. ऐसा कई बार होता है कि पूछने वाले ने भी गलत बोला और बताने वाले ने भी गलत बताया. मैंने सही बोला यार. ये नेले पे देला नहीं है, गोले पे बेगी है, ठोको. अच्छा ज्यादा नहीं, मैं एक लास्ट लाइन, एक लास्ट जी एक लाइन की इंग्लिश बनानी है. हाँ. कि सुशांत मुझे तुम नहीं कपिल पसंद है. अरे मजाक नहीं है, इसकी लाइन बनानी है आपको. कि सुशांत मुझे तुम नहीं, मुझे कपिल पसंद है, तुम जाओ. कपिल आई लव यू. आई लव यू टू. अभी सही. वो ये शूटिंग परी, ये सब बातें ऑन सेट नहीं बोलते यार. तुम्हें तो वैन में बोला था कि बोल देना स्टेज पे. प्लीज इन हाउस बातें शरेआम नहीं करते. गाइस हमारे बीच में कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. चलिए एक बार सुशांत और परिणीति के लिए जोरदार तालियां. हेलो. किधर हेलो, कहां से कौन? हेलो हम लोग हैं. कौन है आप? हर वीक तो मिलते हैं हम लोग, अब कह रहे हैं कौन है आप? ये मेरे मोहल्ले में रहती पागल और आप ठेका ले रखा कि जो भी सेलिब्रिटी आता है आप घुसाती हैं. और इस बार अपने नौकर को भी ले आई आप. हेलो, ये कोई नौकर वोकर या कोई जोकर नहीं है, ये मेरा भाई है लच्छा. दिल का एकदम सच्चा, एकदम लच्छा है. एक मिनट, यू प्लीज सेपरेट, मेरे को इंट्रोड्यूस करा दो. भाई क्या भाई है ये, इसका नेटवर्क तो पहले नहीं आ रहा है. मेरे भाई के सैटेलाइट को हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी. हेलो, लेट मी इंट्रोड्यूस. यस, परिणीति गुत्थी गुत्थी लच्छा लच्छा सुशांत सुशांत परिणीति परिणीति गुत्थी गुत्थी कपिल कपिल गुत्थी गुत्थी लच्छा लच्छा. हाँ बस बताइए क्या करने आए आप? एक मिनट,
इंट्रोडक्शन करने का इतना कोई शौक नहीं है हमें। देखिए क्या है कि हमें शादी करनी है ना, तो फिर एक दूसरे के नाम जानना तो जरूरी है ना। एक्सक्यूज मी, ये बॉइल्ड पोटैटो क्या? किसकी शादी और किससे हो रही है भाई साहब? शादी हमारी हमारी शादी की बात चल रही है। हमारी शादी और किसकी? आपकी शादी उनके साथ कैसे? मतलब हम दोनों शादी करने के लिए आए ना यहाँ पे। क्या है कि हम लोग शुद्ध देसी हैं, ये भी शुद्ध देसी हैं। बस फर्क इतना है मुंह पे क्रीम लगाते हैं, हम लोग मुंह पे गोबर लगाते हैं फेयरनेस के लिए। आपको शायद पता नहीं है कि हम तो इतने शुद्ध देसी हैं, इतने शुद्ध देसी हैं कि हम पराठा भी प्लेट में खाते हैं। हाँ सारे खाते हैं, ढक्कन सारे खाते प्लेट में रखे। यार नई चीज क्या कर रहे हैं आप? सारे खाते हैं, अभी तक हम सोच रहे थे हम लोग कुछ डिफरेंट हैं। डिफरेंट तो तू है। सुजान जी आप लोग बहुत लकी हैं, गुत्ती आपसे शादी करना चाहती है। एक मिनट, घबराने की बात नहीं है। बदले में मैं अपने भाई का हाथ आपके हाथ में दूंगी परिणीति, ओके? फाइनल, ठीक है ना? बाकी कुछ एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो भाई का हाथ उसको हाथ में दे रही है कि वाटर टैंक के नीचे दे रही है उसको बेचारी को? ये दो तीन भाई जोड़ के ले आई तू इकट्ठे करके। आज आपकी आवाज अमरीशपुरी जैसी क्यों निकल रही है? ओ सुनो ना सुशांत, मैंने सुना कि पिक्चर में तुम ना वो अपना गाइड हो। हाँ। तो मुझे फुल मून लाइट में, मैंने अपने कभी मोहल्ले से बाहर नहीं किया, तो फुल मून नाइट में मुझे कभी ताजमहल लेके चलो ना। इसे अमावस्या की रात को ना पुराना मंदिर दिखाओ सांप के अंडे पीने वाली औरत को। हर बार आप मेरी इंटरव्यू खराब करती हैं। डोंट इंसल्ट माय सिस्टर, ओके? शट अप यू बफेलो। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आपके सर के ऊपर क्या है? बताया ना सैटेलाइट है, सारे के सारे चैनल। अच्छा सुनना, ऑटोमेटिक। चलो ये आप में बड़ी इंटरेस्ट ले रही हैं भैया, अपनी बात चला लो, अभी मौका है, बैठ जाओ यहाँ पे, चला लो बात अपनी। देखिए आप शुद्ध देसी में तो अभी आई हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप तो बहुत पहले से शुद्ध देसी हैं। नहीं आपकी वो फिल्म थी ना इशक ज़ादे, उसमें क्या शुद्ध देसी गालियां दी थी आपने। आपको इनकी गालियां पसंद आई उसमें? बहुत। यहाँ पे भी चाहिए आपको? मैं फ्री में दे सकती हूँ। फ्री में? हाँ। चाहिए आपको? यहाँ पे खानी, यहाँ पे खा लीजिए, नहीं तो टेक अवे करके ले जाइए। भाभी भाभी सुनो। बदमाश की बातों पे ध्यान मत दो, ये लुच्चा है बहुत ज्यादा, ये टांग अड़ाते रहता बीच बीच। क्या लुच्चा? मैं मिनी स्कर्ट पहन के खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, दोनों मेहमानों के ना आपको मैंने यहाँ पे बिठाया ना, इनको सिद्धू जी के यहाँ घुटनों में सर देकर ना कोनी मारनी आपके यहाँ पे। यू एक्सक्यूज मी, जब ननद भाभी की बात बीच में चल रही है तो बीच में टांग नहीं अड़ाते हम लोग, डांस करेंगे इन दोनों मिलके। समझ आ रही है? इस शो में आए शुद्ध देसी हैं। आओ भाभी, आओ, डिस्टर्ब मत करो यार। आओ भाभी। हाँ एक मिनट, एक मिनट, फिर जीजा साला पीछे क्यों रहेंगे? आइए ना। अरे शर्मा जी सुनो, यहाँ पे शुद्ध देसी डांस होगा, आप चेक करते रहना क्योंकि बीच में कोई और डांस। लच्छा ये जो आप ये वाला स्टेप कर रहे थे ना, लच्छा की धोती उड़ी तुम्हारा कच्चा नजर आया था। चलिए अभी आप जाइए यहाँ से, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आप प्लीज समझे हमारी प्रॉब्लम समझे। अरे अभी अभी तो रिश्ता बना है, अभी तो बात कार्ड छपने बाकी हैं, सारा काम है, डिस्कस कर रहे हैं, अभी ऐसी कैसे चली जाए। आप जाइए, आपके लिए डीजल मंगवाया, आप पिए जाके, चलिए चलिए यहाँ से जाइए। मन नहीं कर रहा है, तब भी चले जाइए, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। अच्छा okay. मैं उस साइड से जा रही हूँ। उनका वेट नहीं, अपना वेट चेक कराओ पहले। लच्छा
अच्छे तो हमेशा क्यों ऐसी बात बोलते हैं जिसके आगे तेरी इंसल्ट होती है? कुछ ऐसा बोल जिसके आगे तेरी इंसल्ट ना हो। देख ऐसे हम जा रहे हैं। चलिए देखा परिणीति, सुशांत आपके चाहने वाले कितने सारे हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आप एक एक करके अपने चहेते स्टार्स के साथ बातें कर सकते हैं। जी आओ सुपरमैन। हेलो, माय नेम इज अविनाश रूपचंदानी। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, जैसे आपने लास्ट मूवीज की है, लेडीज वर्सेज रिकी बेल और इशक जादे, उसमें आपने टॉम बॉय का रोल किया है, मैम आप शर्माने वाले रोल कभी करने वाले हो? शर्माने वाले रोल कब करूंगी? कभी नहीं। शर्माने वाले क्या, हर फिल्म में घूंघट निकाल के निकल क्या? किस तरह से आप शर्माते हो देखना चाहते हो उसको? यस। तो क्या शर्माने वाले से रोल से, एक तो आपके बगल वाले ना भाई, तू रेलवे स्टेशन में बैठा ही है। खुले आकाश के तले मुझे एट द मोमेंट जितनी शर्म आ रही है, मुझे शर्माने वाले रोल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ अविनाश, यस, आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं? आई एम जस्ट स्टूडेंट। जस्ट स्टूडेंट। आई थॉट यू आर जस्ट अ बॉय। उसकी फिल्म में एक करेक्टर की डिमांड थी कि जो गोलियां चला रही हैं, बिकॉज गैंगस्टर की बेटी हैं, तब क्या घूंघट निकाल के थी? एक्सक्यूज मी। गोरी की डिमांड थी ये, शर्माना। अब मान लीजिए घूंघट निकाला हुआ है, ससुर के पांव छू रही है, घूंघट निकाल के छुरी मारे, ससुर जी कैसे शर्माती? डायरेक्टर ने बोला ही ऐसे था। ओके ब्रदर, ग्रुप ब्रदर, ग्रुप ब्रदर। परी जो है बड़ी बिट्टी है, ऑन द स्पॉट आप इनको सिचुएशन दे सकते हैं। आओ मैं अभी तुम्हारे साथ एक सीन करवाऊंगा जिसमें वो शर्माएंगी, पर शर्त एक है, इधर तो आओ। ये पेंट पेटीकोट की बनाई है आपने, आप हस्बैंड बनेंगे, परी वाइफ बनेंगी, वो आपको चाय सर्व करेंगी। तो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे एक ना सीरियसली, एक सीरियसली सीन करते हैं। तुम इसकी वाइफ बनी हो, बैठो बैठो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड पे बैठो। सिचुएशन ये है कि परी आपको चाय का कप ला के देंगी और कहेंगी आज काम पे मत जाओ ना, और आप कहेंगे कि नहीं मुझे जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना ही जाना है, ठीक है? और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। मैं ला के देता हूँ आपको चाय। कपिल, तुमने कभी चाय बनाई है घर पे? ये हमारी केतली ने बच्चे दिए हैं। ये आपके हस्बैंड हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपको इनको रोकना है। आप शर्माते हुए, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शर्माते हुए आओ, फीलिंग फीलिंग ले लो। ये मौका ही होता है मौका, ठीक है? ओके, हाँ, एक्शन एक्शन। डार्लिंग, आज ऑफिस मत जाओ, घर पे ही रह जाओ। ओ बीवी देख, तुझे चाय की पड़ी है, छोड़ इसको। चलिए कैरी ऑन कैरी ऑन। नहीं आज मुझे एक जरूरी मीटिंग है। दूर बिट्टे मुंह तेरे मीटिंग। किस चीज की मीटिंग है? किसके साथ मीटिंग है? छोड़ो, हम अपनी मीटिंग करेंगे। अभी शर्माना मुझे, तुझे नहीं, चल।
मैंने कहा था ना किल्ली पे टंगी है उसने शर्म। भाई काम करो, तू किसी चाय वाले से शादी कर ले। तेरा बीवी में ध्यान कम चाय में ज्यादा है। लाओ इधर। चलो। थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? ओह कम ऑन मोहतरमा मोहतरमा, ये फूल जो लगाया इसको पानी देती हो क्या? मैं रोज देती हूँ खाने के टाइम पे। जी मेरा नाम सोनी है और मेरा सवाल सुशांत सर के लिए था। हाँ, बट वी आर वर्किंग फॉर कलर्स। चलिए मैं सुशांत सर से पूछना चाहती हूँ कि आप टेलीविजन भी कर रहे हैं और मूवीज भी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, ज्यादा मजा किस में ले रहे हैं आप? मुझे पर्सनली फिल्म में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि टीवी में सब कुछ बहुत पवित्र होता है, फिल्म में यू ए यू ए सब कुछ होता है। पर इन्हें कभी टीवी नहीं किया, तो वो आपको कैसी लगती है? वो तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है। सो जी थैंक यू, आई रियली लाइक यू। और मैं पार्ट टाइम सर, आपकी बात हो सकती है सर, आपकी बात हो सकती है, कितनी लड़कियां फिदा आप पे। तो हां थैंक यू, आपके फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। दोनों आपस में कर लो शो, तो मेरे को चलेगा। आप मेरे फेवरेट हैं, तुम्हारा फूल बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। मेरे बारे में क्या? आई एम रेडी। जिसने मेहनत कर करके गला बिठा लिया अपना। सर आपकी तारीफ तो रोज होती है ना। आप शुक्रिया। सोनी करती क्या है आप? सर मैं पढ़ाई। किस चीज की? एक्यूप्रेशर पढ़ रही हूँ अभी। वाओ एक्यूप्रेशर। यस। तो ये फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर था कि अपने दिल से कर रही हो? सर दिल से कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एक्यूप्रेशर में। यार मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा अभी गला ठीक नहीं है। हाँ। तो जैसे मेरा गला ठीक नहीं है, तो गले का पॉइंट किधर है? यहाँ पे सर। पक्का? पक्का एकदम पक्का। एक सेकंड, उनका छोड़िए, आप बताइए आप मुंह कहाँ तक धोते हैं? कपिल पाजी आपके शो को 4 चांद लगे हुए हैं, ये 5वां चांद है। आप एक काम करें, यहाँ मुंबई जैसे शहरों में ना पाजी, जब हम लोग अमृतसर में पले बड़े हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स होती थी खेलने के लिए, मुंबई में ये अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती नहीं है। आप कुछ बच्चों के लिए अलग करिए, यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना के ना बच्चों के लिए। थैंक यू। सोनी सोनी ये दबाऊंगा तो मेरा गला ठीक हो जाएगा? सर जो भी कुछ भी है वो हाथ में ही है आपके। जो कुछ हाथ में ही है ये तो गलत है, ऊपर वाले तू फिर कुछ नहीं है। चलिए थैंक यू सोनी। यार मेरे पास एक सवाल है। Yes? ये पिक्चर हिट कराने का कौन सा पॉइंट है? नसीब। अच्छा नसीब। तो नसीब कहाँ पे होता है? सर नसीब तो अपने हाथ में होता है, सिर पे होता है। तो कहाँ दबाना चाहिए नसीब के लिए? नसीब तो सर ऊपर, वो तो ऊपर वाले का काम है, वो अपने पास नहीं है। चलिए थैंक यू ज्योति, थैंक यू, थैंक यू। कैसी हो? कैटी आइज। बिल्कुल पागल है यार। जी और कोई हमारे दोस्त? जी माई सेल्फ केतन, मैं सिलवासा से हूँ। वाओ व्हाट अ डिफरेंट थिंग। मेरा सवाल परिणीति जी से कि आपकी फैमिली से प्रियंका जी फिल्मों में आ चुकी है, अब आप भी आ गई है, और आगे कोई आपकी फैमिली से आ रहा है? जी इनके ड्राइवर आ रहे खाना लेके। जी और बताइए आपकी फैमिली में से कोई आ रहा है फिल्मों में? नहीं अभी फिलहाल के लिए 2 ही हैं, जब और आएंगे मैं आपको पक्का बताऊंगी। नहीं मैं देखना चाहूंगा उनकी फैमिली में कितनी खूबसूरती है, 2 खूबसूरती तो आ चुके और कितनी खूबसूरत आएंगे। आहा आपको परेशानी है क्या? परेशानी नहीं खुशी है। अरे वाह ये नई चीज है, मतलब लोगों को खुशी होती है, आपको खुशी है, ये एक अच्छी चीज है। और आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बल्कि मैं कहता हूँ खुशी में खुशी खुशी हुई है। फैमिली के साथ आए आप? नहीं फ्रेंड के साथ। कौन से फ्रेंड के साथ? ये काय का फ्रेंड, 3 कुर्सियां छोड़ के बैठा हुआ है। हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड। आप क्या करते हैं?
सर इनके साथ ही पार्टनरशिप में हूँ, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। अच्छा पार्टनरशिप, इस चीज में पार्टनरशिप, मुझे लगता है ये सवाल पूछने वाली पार्टनरशिप। नहीं नहीं सर, बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप सर। वाओ, क्या नाम ब्रदर आपका? देव। देव या मैम, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि फिल्म हिट कराने का पॉइंट क्या है जी? तो वो पॉइंट है ये, दिल। आपकी एक्टिंग दिल में लगती है मैम। थैंक यू सो मच। एक्टिंग दिल पे लगती है इनकी? यस सर। तो सुशांत की घुटनों पे लगती है? दिल और दिमाग सब पे लगती है। सुशांत की दिल और दिमाग दोनों पे लगती है। और परिणीति की दिल पे लगती है। वो खूबसूरत है तो दिल से ज्यादा लगती है। चंकी पांडे की कहाँ पे लगती है? चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां। और कोई हमारे दोस्त जी? तेरी सिद्धू जी। मोहतरमा। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। मैं सुशांत जी को कुछ बोलना चाहती हूँ। वो तो हमें पता ही था। ये जो बात स्ट्रेट करके आई मेरे लिए तो करवा के आई। नहीं सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हो। क्या कहा आपने? आप भी बहुत अच्छे लगते हो। सुशांत सर, आप इतने अच्छे डांसर हो, मेरे को आपके साथ एक डांस करना है। मैं बिल्कुल आपके साथ डांस करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त, मैं जो करूंगा वो फिर कपिल को भी करना पड़ेगा। Why not? अब देखा, सिर्फ फिल्मों में आने वाले लोगों को नहीं डांस आता, हमें भी आता है। हैं? खाया पिया करो, कहीं गिर ना जाना। जैसी तुम्हारी सेहत है, तुम्हें कहना चाहिए था डांस नहीं करना, मुझे आपके साथ लंच करना है। जी, और कोई हमारे दोस्त? आइए, क्या लिखा है? फिश फिश एंड सर्व, जॉइन इट एंड फील इट। देखो, फिश का भी स्केलेटन निकला हुआ है। और उनका खुद का भी देख लो। खुद तो भूखे रह रहे हो, मच्छी को भी भूखा मार दिया। मछली के नीचे लिखा हुआ ज्वाइन इट एंड फील इट। कैसे ज्वाइन करें हम? बिकॉज वी वॉन्ट टू फील इट। हाँ, ये मछली टी शर्ट पे बनाई, कभी खाया भी करो मेरे भाई। क्या हो रहा है हमारे देश के युवाओं को? लड़की देखो तो वो डांस करने आई बेचारी। पतंग की कांप जैसी। हाँ भाई, मेरा नाम कौशल लखमानी है, सूरत से आया हूँ सर। जी कौशल। मेरा सवाल सुशांत जी से है सर, आपकी मूवी आ रही है शुड देसी रोमांस, पूछ रहे बता रहे? नहीं बता रहे। अच्छा, उसमें आपका एक परिणीति जी के साथ एक किसिंग सीन है सर। हमारा ध्यान इन्हीं कामों में, तभी सेहत नहीं बनती। तो सर मेरा सवाल ये है कि अंकिता जी गुस्सा नहीं करती है? आप एक बात बताइए, आपको मेरी परवाह है अंकिता की? दोनों की परवाह है। मैंने उसको समझा दिया यार कि मानव बनने में उतने पैसे नहीं मिलते जितना दानव बनने में। सही बात है। कौशल, आप सूरत से हैं? जी सर। तो सूरत में तो वो डायमंड का काम बहुत होता है। जी सर, डायमंड और टेक्सटाइल। डायमंड और टेक्सटाइल जी। आप किस में हैं?
मैं तो स्टूडेंट हूँ सर. पढ़ाई तो सूरज अच्छा, हाँ. किस चीज के स्टूडेंट हैं आप? क्या मैं सीए का स्टूडेंट हूँ सर. तो ये एकदम सीए वाला दिमाग इधर किधर चला गया किसी बंदे का? सर दिमाग इधर चला गया इसलिए तो इधर आ गया सर. यार एक मैं सीए जितने भी हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ. आप लोग अपने क्लाइंट्स को डराते हैं क्या? नहीं सर. कि आप इतनी तरीक तक आप इनकम टैक्स भरे नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं सर. हम उनको सही एडवाइस देते हैं सर. झूठ. सही एडवाइस देते जो सही होता है. एक एडवाइस मैं आपको दूं? जी सर दीजिए ना. एक लवण भास्कर चूरण आता है. उसको खाइए, भूख बड़ी लगती है. सीए भी ये होता रहेगा. आप चार छह चपातियां अंदर जाएं पहले. कल को शादी होएगी ना तो सेहत काम आएगी, एडवाइस नहीं काम आएगी. चलिए थैंक यू कुशल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त? मेरा नाम निखिल झा है, मैं कल्याण से आया हूँ. मेरा सवाल परिणीति जी से है. परिणीति जी आपसे शादी करने का प्रोसीजर क्या है? एक फॉर्म मिलता है 61 नंबर. कहाँ मिलेगा? साइन करके ना नोटरी की मोहर लगानी होती है. ओके जमा करा दो. लकी ड्रॉ निकला है तो ये प्रोसीजर है. सर ऐसे सर लकी ड्रॉ नहीं सर, बस अकेले ही हैं तो फिर लकी ड्रॉ क्यों करना? मैंने पूछ लिया तो अच्छा मैं ही कर लेता हूँ. यार ऑडियंस में मेरा भाई बैठा हुआ, ये प्रोसीजर मैं आपको अकेले में बताऊंगी. नहीं अब ऐसा नहीं, फिर ना ही बताएं तो भी ठीक है. भाई बैठा ही है तो फिर है नहीं दीजिए. एक काम करो. हाँ जी. टाइम निकाल के ना बेल्ट में एक और छेद निकलवाओ. पेंट आपकी नीचे गिरती जा रही. आपसे शादी करने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है सर जरूर. घड़ी भी आपकी ढीली है, वो भी ऐसे देख रही है आपको. या तो मुझे बांध ले या मुझे उतार दे. पीछे पीछे. ये आपने राखी बांधी क्या? आपको किसी ने पेड़ के साथ बांधा था? सर साथ साथ बहने हैं. सात बहने हैं तो वो कजिन वजिन मिला के सब. तो सात सात बहने हैं फिर भी किसी की बहन को बोल रहे हैं आपकी शादी के लिए? बहनों को भी भाभी की जरूरत तो है ही सर. तो पूछ लेते हैं अब उसमें क्या है. काम करो, सात तो बांध हुई, आठवीं और बंधवा लो. ऐसा मत करो सर. थैंक यू सो मच. सुशांत जी, हमारी इंडस्ट्री में लोग कई कई साल स्ट्रगल करते हैं बाजी, सक्सेस नहीं मिलता है. बिल्कुल. सुशांत ने जब अपना टीवी पे पहला प्रोजेक्ट किया, इंस्टेंट सक्सेस मिली. और जितना इनमें टैलेंट है भगवान का उतना ही आशीर्वाद है. आपको इतनी सफलता मिली, उसके बाद में आपने पहली फिल्म जो की उसने सफलता के झंडे गाड़े और इस बार तो आपने हद ही कर दी. तो कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? सीरियसली कपिल, मैं तुमसे ये बात बोलना चाहता हूँ. मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं पिछले दो दिन से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारा शो था और मैं तुम्हारा शो रिपीट पे देखता हूँ और बार बार देखता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना था और मैं आप सबके सामने हूँ. थैंक यू सो मच ब्रदर. पर मैंने एक चीज देखी बाजी, सुशांत फिल्म में आपको जितने खुले दिखाई देंगे ना, पर्सनल लाइफ में थोड़े से शाही हैं. क्योंकि फिल्म में दो दो लड़कियों से रोमांस कर रहे हैं. हाँ. यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही प्रोवाइड करवाई है, तो इनको थोड़ा सा और खोलते हैं. हाँ. बुलाते हैं इनकी फिल्म की दूसरी हीरोइन. प्लीज वेलकम वाणी. वाणी के लिए जोरदार ताली. Very well. How are you? Oh man. So, how are you feeling? Amazing, standing next to you. सुन रहे हैं? My dream come true, finally. तो वाणी, पहले तो वाणी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. ये जो सुशांत है, सुशांत इतने वैसे शरारती नहीं है. हाँ. पर ही बहुत ज्यादा शरारती. इन्होंने तंग तो नहीं किया आपको फिल्म में शूटिंग के दौरान? नहीं. तो कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो? नहीं. पक्का नहीं तंग किया? नहीं, वो अभी पे बोल नहीं सकती. नेशनल टीवी पे बोल नहीं सकती. बोल तो बोल दो. पीठ के पीछे बैठे हुए हैं. पीठ पीछे चलती है. पीठ पीछे चलती है. तुम्हारी पीठ के तो पीछे बैठे हुए ना. तो ये मेरे को सुना तो नहीं कुछ क्या बोला, पर ये अच्छा लगा जो भी किया तुम्हारा.
तो ये आपकी डेब्यू मूवी है और इतने अच्छे कलाकारों के साथ जी, और एक्साइटेड भी हैं आप, मेरे बारे में क्या सोचती हो? सोचना क्या है, डिसीजन है, बना लिया। Come on, tell me, I want to know. आप मुझे शर्मिंदा कर देंगे और मैंने कुछ, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती आपका। तुमने बड़ा ओ किया। तुम कौन सा जेनिफर लोपेज के बॉयफ्रेंड हो? हो जाता है पाजी, हमारे पास शुद्ध देसी रोमांस की पूरी स्टार कास्ट है इस समय, और हमने बातों बातों में बड़ा रोमांस किया कि रोमांस कैसे होता है, कैसे किया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर दोनों हीरोइंस यहां पे मौजूद हैं, हीरो हमारे मौजूद है, तो क्यों ना यहां पे एक प्रैक्टिकल हो जाए। सुशांत जी, आप वाणी के साथ एक कोई भी रोमांटिक सीन करके दिखाएं। सुशांत के लिए जोरदार तालियां। जी परी, आप यहां पे आ जाओ। कोई मेरा दिल लगा रहेगा, अकेला बोर हो जाऊंगा। कपिल, हम थोड़े नए हैं तो कुछ सिचुएशन दे दो। हाँ। तो आप नए हो तो मेरी कौन सा बेटी की शादी होगी, मैं भी नया हूं। ओके, सिचुएशन ये है, लड़की कॉलेज जा रही है। ओके, बाकी आपको पता है क्या करना है, लड़के होते तो अंदर से कमी नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से करना है। चलो तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, साइकिल पे जा रही हूँ। साइकिल पे साइकिल है। एक्शन। देख सकते हैं। हाँ। एक काम करना, तीन टिकट मंगवा लेना। तीन क्यों? पापा भी तो जाएंगे। चार चार ले लूंगा, मम्मी को भी ले जाना। मम्मी पापा आपस में बिजी हो जाएंगे। हम आपस में हाँ? अरे अरे मान गए यार, और क्या चाहिए। ये देसी रोमांस था, पर एक और टिपिकल देसी रोमांस होता है जो गांव खेड़ों में होता है। ये तो लड़की कॉलेज जा रही थी, अगर लड़की खेतों में जा रही हो। अच्छा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इश्क पंजाबी स्टाइल है, पंजाबी स्टाइल। मैं मेरे गांव में हूँ, अमृतसर के पास कोई गांव है। हाँ। खेतों में चलती हुई जा रही हो। हाँ। तो मैं आपसे देसी रोमांस करूंगा, इजाजत है? वॉच एंड लर्न। हाँ प्लीज। तो चलो वहीं से शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ वहीं से। वन टू थ्री एक्शन। मैं कहा सुनो, क्या हाल है आपके? वही जो तेरी बहन का है। गुड़ी पटाखा, गुड़ी पटाखा। वही हाल है जो मेरी बहन का, मतलब आपका पेट खराब है। खेत उधर ही है, खेत उधर ही है। अब मैंने कहा जी थोड़ा नीचे भी ध्यान दे लो, गोबर किया बड़ा, कहीं केक ना काट देना। और तू टेंशन ना ले, एक पीस तू भी खा लियो। तू पहले टुटू टुटू कर ले अपनी। तू गोटाया। मैंने कहा जी देखो, पीसों के खाने की बात हो रही है, अभी शादी हुई नहीं है, एक ही प्लेट में मिल बैठ के खाएंगे, इसका मतलब शादी की बात है। वाह यार, छा गया तेरा रोमांटिक सेंस ऑफ ह्यूमर। आ जा, चल चल, चल। एक बार जोरदार तालियां परी के लिए, शाम के लिए। प्लीज आप यहाँ पे विराज के। पिट्टू बैठिए, बैठिए आप। ये क्या बदतमीजी है सिद्धू जी? हाँ। देखिए कितनी बड़ी बदतमीजी है। क्यों, क्या यहाँ इतना रोमांस हो रहा है और मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं? मुझे पता था रोमांटिक सीन होगा, मदनपुरी अपने आप आएगा। चुप कर बदतमीज। परिणीति चोपड़ा, सुनिए जी, इधर आइए, इधर आइए। मैंने ना आपकी फिल्म देखी इश्क जादे, इतनी बड़ी फैन हूं मैं आपकी कि क्या बताऊं। नहीं बता दो, बता दो। तो सुनिए सुनिए, इश्क जादे देखने के बाद ना डायरेक्ट मैं रेलवे स्टेशन पे चली गई, पर किसी ने सिद्धू जी ट्रेन ही नहीं रोकी। अरे यार।
जवाब है। अच्छा क्यों? बुआ हाँ बदतमीजी करना बंद करेंगी आप? बदतमीजी तो अभी मैंने की नहीं। आ जाओ, आ जाओ। तो मैं सुशांत के साथ करूंगी। सुशांत जी ये जो दोनों हीरोइनें पीछे बैठी हैं इनके साथ तो बहुत रोमांस कर लिया आपने। मुझ जैसी हॉट सेक्सी ग्लैमरस 22 ईयर ओल्ड लड़की के साथ रोमांस कीजिए ना। आर यू रेडी? बोलो तारा रारा। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू कमिट सुसाइड? अच्छा ठीक है कर लो भाई कर लो थोड़ा सा। बोलो तारा रारा। Let's do it. मेरी आंखों में देखो। मुझे अनूप जलोटा वाली फीलिंग आ रही है। हाय हाय सुनिए, एक बार आप मेरी आंखों में देख लो आपके अंदर का इमरान हाशमी ना जाग उठे तो मेरा यार उसकी बेचारे की फीलिंग नहीं बुआ तो मैं देख के कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं डायलॉग देता हूँ आपको। हेल्प कर। कहो कि बुआ सॉरी पिंकी, मेरी बुआ का नाम पिंकी है। हाँ पिंकी तुम्हारी आंखों में डूब के मरने को दिल करता है। हाय बिट्टू, I love you for that. बोलो जी। यार कपिल इनकी आंखों को देख के ऐसे डूबने को मन करता है। कैसा बोलूं? मतलब कौन है ये आदमी? अभी तो तेरे को बड़ा रोमांस जाग रहा था उसके साथ। रोमांस तो आज मैं करके रहूंगी चाहे मेरी जान ना निकल जाए। सुशांत जी मुझे ऐसे लगता है आप ना डायलॉग्स में रोमांस नहीं कर सकते, आप डांस में रोमांस कर सकते हैं। चलिए वो भी ट्राई करते हैं। ओए तुम लोगों को पता नहीं इतने एपिसोड हो गए, कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बजा देना चाहिए फटाफट। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.